आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपके नेता राघव जड्ढा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने पर निशाना साधा। 100 लोगों को रजिस्ट्री देने पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के राघव जड्ढा ने बीजेपी से सवाल पूछे, 5 सवाल पूछे। जब केजरीवाल सरकार ने 2015 में बिल पारित कर दिया था तो बीजेपी 5 साल तक क्यों सोती रही? सरकार ने सैटेलाइट मैप के आधार पर बिल पारित किया था, बीजेपी क्यों मानने से इनकार कर रही थी? बीजेपी 100 लोगों को रजिस्ट्री देने जा रही है, ये काम पहले क्यों नहीं किया गया? दिल्ली के 100 लोगों को रजिस्ट्री ही क्यों दी गई है? क्या बीजेपी ने 2014 से अब तक कच्ची कॉलोनियों के लिए कोई भी एक काम किया है? पांच वर्ष आप क्यों कुंभकर्ण की नींद सोते रहे? क्यों आप इतने साल कुंभकर्ण की नींद सोते रहे और आपने इस पर एक भी कदम नहीं उठाया? यह हमारा पहला सवाल। हमारा दूसरा सवाल, आप नवंबर 2015 से लेकर आज तक ये कहते रहे कि हम अरविंद केजरीवाल जी के सैटेलाइट मैप का संज्ञान लेकर कच्ची कॉलोनी को नियमित नहीं करेंगे, हम अपने आप मैपिंग कराएंगे, खुद की मैपिंग करवाएंगे, रीमैपिंग करवाएंगे। लेकिन आज आप उन्हीं सैटेलाइट मैपिंग का सहारा लेकर 100 लोगों को रजिस्ट्री देने जा रहे हैं, तो हमें यह समझाएं कि आपने नवंबर 2015 से लेकर आज तक क्यों नहीं सैटेलाइट मैप्स को अपनाया? क्यों नहीं आपने उसी समय कदम उठाकर कच्ची कॉलोनी को नियमित करा? हमारा तीसरा सवाल, हम दिल्ली वालों ने देखा कि 2008 के चुनाव से पहले कैसे कांग्रेस पार्टी ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटकर कच्ची कॉलोनी में रह रहे लोगों को धोखा दिया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटकर उनका वोट लेने की कोशिश करी और वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट केवल चुनाव प्रचार सामग्री के रूप में काम आया, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्या आज जो कन्वेंस डीड और जो वेबसाइट एड्रेस केंद्र में बैठी भाजपा सरकार देने का वादा कर रही है, क्या ये वेबसाइट एड्रेस और कन्वेंस डीड भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बराबर है? क्या ये भी शीला दीक्षित जी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट धोखा जो था, क्या ये उसका पार्ट टू है जिसमें आप कन्वेंस डीड और वेबसाइट एड्रेस देकर जनता को बरगलाएंगे? ये हमारा तीसरा सवाल है। हमारा चौथा सवाल कि केंद्र में बैठी सरकार मात्र 100 लोगों को ही क्यों रजिस्ट्री देने की बात कर रही है? क्यों केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कह रही है कि हम केवल 100 लोगों को ही रजिस्ट्री देंगे? अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप 100 लोगों को नहीं, कच्ची कॉलोनी में रह रहे 40 लाख लोगों को रजिस्ट्री देते, केवल 100 लोगों को देकर धोखा देने का काम नहीं करते अगर आपकी नीयत साफ होती। तो ये क्यों ना समझा जाए कि ये 100 लोगों को रजिस्ट्री देना केवल और केवल सांकेतिक लॉलीपॉप है जिसके जरिए आप 40 लाख लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हमारा पांचवा और आखिरी सवाल कि अगर आपके मन में वास्तव में कच्ची कॉलोनी में रहने वालों के लिए कुछ भी सद्भावना है, कुछ काम करने की इच्छा है, कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो यह बताएं कि 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 2014 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक भी काम, मैं बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग 6 साल होने जा रहे हैं मोदी जी को सत्ता में आए, क्या केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने पिछले 6 सालों में कच्ची कॉलोनी में रह रहे हमारे निवासियों के लिए कोई एक भी काम किया? कोई एक भी काम किया? तो 5